कपड़े दो दिनों से पहने हुए हैं वो आ रही है मुझे अपने आप। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपकी प्यारी और मशा और आप देख रहे हैं प्रशा व्लॉग और मैं हूँ आपकी प्यारी व्लॉगर मशा जो दो दिनों से एक मजदूर बनी हुई है और एक खोते की तरह काम कर रही है। कल मैं कुत्ता थी, आज मैं खोता होगी। उसकी वजह ये है कि पढ़ा लिखा इंसान जब ये काम करे तो उसको कहते हैं खोता, क्योंकि वो बस्ता उठा के सीधा स्कूल जाता है और कुछ पढ़ के नहीं आता। मैं उनमें से नहीं हूँ। और व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ क्योंकि व्यूअर्स मैंने आपको कमरा दिखाया था, वो मम्मा को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने, पापा ने भी और पूरे घर वालों ने तारीफ की। उन्होंने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू माय बिलाल बेटा। है मेरा नाम बिस्मा, लेकिन लड़का हूँ ना मैं, तो इसलिए मतलब कि नहीं लड़का नहीं हूँ मैं, लड़की ही हूँ। तो व्यूअर्स, मम्मा को बहुत पसंद आया। मैं आपको बता रहा थी कि मैंने मतलब के दरवाजे वगैरह करने हैं, तो मम्मा ने कहा कि नहीं वो नहीं करने, आप किचन करो। तो मैंने किचन आधा कर लिया, वो देखें। और मेरा बुरा हाल है क्योंकि मैं बहुत बुरी जगह खड़ी हूँ, गिड्डी ना जाऊँ और मैं गिर गई व्यूअर्स, मेरा मुंह फट जाएगा। बस मैंने आधा कर लिया, मैं ऊपर खड़ी ना के अपने प्यारे व्यूअर्स को अपना आज का हालात बता दूँ कि मैं कैसी झगड़ी और क्या हालात है मेरे। और आप किचन का हाल देख ही सकते हैं। उन दिनों वीडियो में हमारे बर्तन धोने वाले होते थे, अब तो पूरा किचन ही धोने वाला हुआ। ये मेरे हट हराम होने की निशानी है। लेकिन बस अब मैं ये कर रही हूँ दीवार। और एक बार अजान स्टार्ट हो गई है, अब हम पहले अजान सुनेंगे एक मुस्लिम होने की हासियत। मैं नीचे बैठ के अजान सुन रही हूँ और मैं यहाँ पे पेंट कर रही हूँ आपके सामने। पहले मैं अजान सुनूँ फिर पेंट करूँगी, अभी शुरू नहीं हुई था। तो व्यूअर्स, अजान खत्म हो गई है और अब हम अपना पेंट शुरू करते हैं। और व्यूअर्स, मैं लड़कियों को एक जो लड़कियां मुझे देखती है, मैंने ये नसीहत करना चाहूंगी कि लड़कियों अपने हाथ से मेहनत करो, बाहर से नहीं खुद से करो, और अपने हुनर को अपने हाथ में लाओ और पैसा कमाओ। और व्यूअर्स, मैं जितनी ऊंचाई पर खड़ी हूँ अगर मैं जरा सी भी गिरी तो आपको अगला ब्लॉग आएगा बिस्मा शाह इंतकाल कर दी। मैं रूमा बहुत अच्छी थी। मेरे घर वालों को जरा सांस नहीं है कि मेरे से क्या काम करवा रहे। व्यूअर्स, ऊपर देखे मुझे छोड़े, मैं उतर रही हूँ, मेरा लाद सब अगर देखने के नहीं है आप मुझे छोड़े। तो व्यूअर्स, मैंने लगा दिया है, ये मुकम्मल हो ही गया है अनकली। फिर अब हम बर्तन धोएंगे, पहले मैं जरा बाहर बैठ जाऊँ, गर्मी बहुत है। व्यूअर्स, मेरे हाथ के मांस फट गए हैं, हाथ काले थे और मजीद काले हो गए। खड़ा पड़ा हुआ, मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, क्योंकि मेरी बहनें तो हट हड़ाम और मैं ही एक काम वाला मिला हुआ हूँ इनका। देखो मैं दूर की तरह एक ही कपड़े दो दिनों से पहने हुए हैं, वो आ रही है मुझे अपने आप। इतनी ज़्यादा, अब मैं नहाई भी थी, ये नहीं कि मैं नहीं नहाई थी, नहाई थी, लेकिन वही गंदे कपड़े वो वाले इतने नीचे नोड़ लिए, मैं उनको क्या बताऊँ। ऊपर से ये सारा मैंने पेड़ में गया, मैं पूरा हाल हुआ, बड़ा मुंह खराब हो गया, बड़ा हाथ खराब हो गया मेरे। तो ना व्यूअर्स, अब मैं सारे बर्तन इकट्ठे करूंगी, फिर सारे बर्तन धोऊंगी, फिर यहाँ से साफ करेंगे, फिर यहाँ पे पेड़ करेंगे, फिर यहाँ पे सारा सेट करेंगे। मतलब कि आज का व्लॉग बहुत शदीद लंबा होने वाला है और आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आपके अलावा तो कोई है नहीं, मेरे पास बहने भी नहीं है मेरी, बस आप ही आप हैं और आप ही आप हैं। व्यूअर्स, आपको पता है एक अच्छी बात बताऊं, मैंने धोते लिए, ये तो मैंने आपको दिखाई कोई नहीं। Thank you.
पैसे कर लिए हैं, तो इनको मैं दूंगी, और जब तक इनका दूंगी तब तक आप देखिए। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने अपने आप को भी सवा लिया, अपने किचन को भी सवा लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर पेंट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा किचन कितना अच्छा लग रहा है, और मैंने डेकोरेट भी कर लिया। लेकिन मैं अपना व्यूअर्स बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ना, कि मैं अंत तक थक गई हूँ कि मेरे पास ये अब मज़ीद डेकोरेशन के लिए कुछ बचा नहीं है, ज़रा सी हिम्मत नहीं बची। और व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने मेरा व्लॉग इंजॉय करा होगा बिल्कुल बाकी सारे व्लॉग्स की तरह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़्यादा अच्छा लगा होगा, लेकिन वो तो आपकी मर्जी है। तो मैं बस आपसे यही हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, मुझे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी वीडियो को कमेंट मत भूलें, कि मुझे कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार होता है और आप कमेंट करते नहीं। नेवर माइंड, वक्त के साथ साथ कमेंट भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके व्यूज तो आ रहे हैं माशाल्लाह से, मैं बहुत खुश हूँ। और व्यूवर्स, आपको एक अच्छी बात बताती हूँ कि एक हफ्ते बाद मेरी सालगिरह आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। व्यूवर्स, आपने मुझे विश करना है मेरी सालगिरह पर, आपको मैं सरप्राइज इंतजार करूँगी कमेंट में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और तब तक के लिए हम मुझे इजाज़त दें कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दोबारा अपना चेहरा दिखाऊँ। ठीक है व्यूअर्स, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।